सालगुन दोस्तों. सो जैसा कि पिछली वीडियो में अभी मैं डिस्कस कर ही रहा था कि हम अपने चैनल पे कुछ नया करेंगे और इसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने एक नया सेक्शन स्टार्ट करना है जिसके अंदर हम वीडियोस को रिव्यू करेंगे, जो मूवीज़ आती हैं, जो टीवी चैनल्स आते हैं, कुछ ट्रेलर्स आते हैं. सो उसी सिलसिले की ये सबसे पहली वीडियो हम बना रहे हैं. इसके अंदर अभी आप लोगों को पता होगा कि कल ही कैप्टन मार्वल का ट्रेलर आया है, जो मार्वल स्टूडियोज़ की एक फेज़ 4 के अंदर बनने वाली, आई थिंक आप कह सकते हैं कि उसकी नेक्स्ट फेज़ जो है 4, उसके बारे में पहली मूवी होगी. और ये बेसिकली एक ओरिजिन स्टोरी है कैप्टन मार्वल की, और कैप्टन मार्वल के बारे में डिटेल से हम वीडियो थोड़ी कुछ टाइम के बाद बनाऊँगा. होपफुली कल या परसों तक वो वीडियो भी बनाकर उसको अपलोड करूँगा. लेकिन अभी फ़िलहाल मूवी ट्रेलर आया है, फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर. टीज़र से ये मूवी बड़ी प्रॉमिसिंग लग रही थी और काफ़ी लोगों ने पसंद किया. कैप्टन मार्वल का कॉस्ट्यूम खासतौर पे ब्री लार्सन को उन्होंने इसमें कास्ट किया है एज ए कैप्टन मार्वल. और कैप्टन मार्वल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि कैप्टन मार्वल बेसिकली जो कॉमिक्स में मौजूद हैं, इस पर मार्वल कॉमिक्स की तरफ से पब्लिश की जाती हैं, जो वो ह्यूमन है. कैप्टन मार्वल एक खातून है जिनको एक एलियन डीएनए जिनके डीएनए के साथ मिक्स हो जाता है, और उसके बाद उनको पावर्स मिलती हैं, सुपर ह्यूमन पावर्स होती हैं. और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल करेक्टर है जो शायद आपको अभी तक मार्वल की मूवीज़ में नज़र नहीं आया होगा. थॉर, हल्क, किसी को भी आप काउंट कर लें जितने भी हैं, उनमें शायद सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो कैप्टन मार्वल ही होगी. इसके बारे में डिटेल वीडियो बाद में भी चलेगी, अभी हम ट्रेलर देखते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर उसका ट्रेलर का रिएक्शन, जिसको बोला जाता है ट्रेलर रिएक्शन वीडियोस, तो उसमें देखते हैं कि क्या हमें नज़र आता है. ओके, कैप्टन मार्वल ऊपर से गिर रही है. ब्लॉकबस्टर वीडियो. ओके, कोई वीडियो स्टूडियो है, वीडियो शॉप है. War is a universal language. Okay, ye green aur black inka costume abhi tak aaya hai. No renegade soldier when I see one. Yes, I think ye wahi costume hai jo ye Kree ke saath one might come from above. Haan, ye wahi costume hai. Ye actual Captain Marvel ka costume nahi hai. Space invasion. Car chase. 90s mein ek sakti. Oh, फर्स्ट पावर इनकी शो की है, हाथों से जो एनर्जी ब्लास्ट है. सिमिलरली जैक्सन, इनको डिजिटली इनकी एज को कम किया गया. आई थिंक ये क्री की शक्ति. हाँ, क्री प्लैनेट. ओके, आई थिंक ये उस जमाने की वीडियो फ्लैशबैक्स नजर आ रहे हैं जब ये अर्थ के पूर्वा करती हैं एज ए पायलट, टेस्ट पायलट. एक फ्री पोर्शन ऑफ आई व्हाट मेक्स हर अ हीरो. ओह नाइस नाइस सर, बड़ा अच्छा हर और द हीरो. ओ, कमिंग बैक एक्यूरेट इन द ये कस्टम. Oh, nice, nice, nice. Very cool, very cool. First time मैं ये ट्रेलर देख रहा था, so कुछ चीज़ें मैंने मिस भी कर दी हैं इसमें कुछ, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आया, आई थिंक कैप्टन मार्वल को ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाया है. कुछ ब्लॉकबस्टर वीडियो का कोई वीडियो स्टोर था उसके अंदर. आई एम नॉट श्योर कि ब्लॉकबस्टर वीडियोस की क्या सिग्निफिकेंस है मार्वल स्टूडियो के अंदर. आई लुक इट अप और देखूंगा उसके अंदर क्या है. बट देखने में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कैप्टन मार्वल का जहाज क्रैश हुआ है या समथिंग, वो ऊपर से नीचे गिरी है. मे बी शी वॉज फ्लाइंग बिकॉज शी कैन फ्लाई, तो पावर्स ख़त्म हो गई हैं और नीचे गिरी हैं. बट अगेन आगे उसको शायद समझ नहीं आ रही कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है. देखने में तो अर्थ लग रही है, बट आई एम नॉट श्योर, मे बी कोई और अर्थ हो, कोई और टाइमलाइन हो. बट सेमिल एल जैक्सन का बारे में बताया गया था कि उन्हें डिजिटली डी एज किया जाएगा, जो कि उन्होंने किया है और दिखाया है, बड़ा अच्छा बेसिकली नज़र आया है. बट देखने में यूँ लगे जैसे
वो क्री के साथ कुछ मिशन पर थी, जिसके बाद बेसिकली आफ्टर पावर्स ये सारे सीन्स थे आई थिंक, और नीचे वो गिरी हैं और उनको पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ हैं आई थिंक, और फिर उनको फ्लैशबैक्स आने स्टार्ट हुए हैं, सैमुअल एल जैक्सन को वो बता रही हैं जो बेसिकली निक फ्यूरी का करेक्टर प्ले कर रहे हैं मार्वल स्टूडियो के अंदर पिछले 10 साल से, कि शायद उनको अपनी प्री कैप्टन मार्वल जो उनका पर्सोना है उससे पहले की सारी चीज़ें याद आ रही हैं। मे बी ऐसा हुआ हो कि जब उन्हें सारे कैप्टन मार्वल की पावर्स मिलती हैं उस वक्त उनकी याददाश्त गायब हो गई हो और उनको अपनी ह्यूमन लाइफ के बारे में याद ना रहा हो, तो अब फ्लैशबैक्स में वो चीज़ें उनको याद आ रही हैं। आई एम नॉट श्योर, अभी तक तो यही पहला ट्रेलर है, मैं इस ट्रेलर को दोबारा देखूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा कि क्या क्या चीज़ें इस पे नज़र आई हैं, बट इस पे मैंने दो चीज़ें नोटिस की हैं कि एक उनका ग्रीन आउटफिट है जो उनका कॉस्ट्यूम है विच इज़ आई थिंक क्रीक यूनिफॉर्म जब वो क्री के साथ मिशंस पर जाती हैं, और दूसरा उनका जो ब्लू और रेड वाला है जो एक्चुअल कैप्टन मार्वल का कॉस्ट्यूम है जिसको आप लोग जानते होंगे, दूसरा उन्होंने मास्क पहना हुआ था एक सीन के अंदर जो उस पर नज़र आया मुझे, सो दैट इज़ कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम, सो लेट्स सी कि इनका फाइनल कॉस्ट्यूम की क्या लुक होगी मूवी के अंदर, शायद चेंज हो, सो लेट्स सी, आई ब्रेक इट डाउन और इसको और डिटेल्स में देखूंगा, और उसके बाद मार्च 2019 में ये मूवी आनी है, सो उससे पहले होपफुली आप लोगों को मैं डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन कैप्टन मार्वल के ऊपर और प्लस दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर भी बताऊँगा, सो थैंक यू। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी कहें, थैंक यू।